नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, कट्टरपंथियों और चरमपंथियों को लेकर सिरदर्दी बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठता है कि हर चीज के लिए, हर गलत काम के लिए अगर बुलडोजर चलाया जा सकता है तो कट्टरपंथियों पर, चरमपंथियों पर बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि आए दिन कई ऐसी घटनाएं घटी, जैसा कि आपको ही पता है कि मुर्तजा ने क्या किया गोरखनाथ मंदिर में, उसके बाद कट्टरपंथियों और चरमपंथियों की पूरी सोच सामने आ चुकी है। फिर क्या हुआ, एक डॉक्टर ने सिर्फ इतनी गलती की थी कि आरएसएस की तरफ से जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर उसने फूल बरसाए। इसके बाद उसके समुदाय के लोगों ने उसे बहिष्कार कर दिया और मौत का फतवा जारी कर दिया। इसके बाद आज एक कायराना हमला भी किया गया, आजकल एक दो दिन के अंदर, कि पीएम मोदी को श्री राम और सीएम योगी आदित्यनाथ को श्री कृष्ण कहने के बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद वो अस्पताल में भर्ती है, बहुत ही बुरे हालात में है। सिर्फ यही एक घटना नहीं है, बल्कि बाबर क्या भूल गए, जो बीजेपी की प्रचंड जीत पर जश्न मना रहा था, लेकिन किस तरह से चरमपंथियों ने उसकी हत्या कर दी। तो कब तक चलेगा इन चरमपंथियों पर, कट्टरपंथियों पर बुलडोजर? ये सवाल, इसका जवाब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस वक्त मांग रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बीजेपी के बढ़ते कदम से चरमपंथियों में बौखलाहट। बीजेपी समर्थक बाबर को कट्टरपंथियों ने कर दी हत्या। मुर्तजा की कट्टरपंथी सोच से दुनिया हो गई वाकिफ। आरएसएस समर्थक मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ मौत का फतवा। पीएम सीएम की तारीफ, मुस्लिम युवक की जमकर धुनाई। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक पूरी दुनिया में, और फैंस हमेशा तारीफ ही करते हैं। तारीफ करना भला किसे बुरा लग सकता है, लेकिन आजकल पीएम और सीएम योगी की तारीफ करने पर जानलेवा हमले होते हैं। बरेली के कामरान के साथ यही हुआ। पीएम मोदी को राम और सीएम योगी को कृष्ण के साथ तुलना करने पर इसके अपने लोगों ने कामरान पर जानलेवा हमला कर दिया, जमकर पिटाई कर दी। बुरे हालात में अस्पताल में कामरान पड़ा है। वही मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर आरएसएस की रैली पर फूल बरसाने लगा तो उसके समुदाय के लोगों ने डॉक्टर का बहिष्कार कर दिया और मौत का फतवा जारी कर दिया। उससे पहले गोरखनाथ मंदिर पर मुर्तजा ने हमले किए और पूरी दुनिया को अपने घिनौने कट्टरपंथी सोच को दिखा रहा है। बाबर को इसलिए मार दिया गया क्योंकि बीजेपी की जीत का वो जश्न मना रहा था। मतलब साफ है, बीजेपी की जीत पीएम मोदी का प्रभाव और सीएम योगी की प्रचंड जीत से चरमपंथियों में साफ तौर पर बौखलाहट देखी जा रही है। बीजेपी की प्रचंड जीत से चरमपंथियों में हताशा। मुसलमानों को बीजेपी से दूर रखने की साजिश हो रही है। बीजेपी में अब मुसलमान भी भारी संख्या में आ रहे हैं। पढ़े लिखे मुस्लिमों पर बीजेपी सरकार के काम का प्रभाव है। बीजेपी समर्थक मुस्लिमों से चरमपंथियों की दुकान बंद हो रही है। बीजेपी के साथ जाने वाले मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथी हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति को उदारवादी मुस्लिमों से बड़ी चुनौती मिल रही है। योगी 2.0 सरकार से सूबे में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। विकास का फायदा समाज के हर वर्ग में समान तरीके से पहुंचाने का काम हो रहा है। सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज ही उठाता है। ऐसे में ज्यादातर मुसलमान बीजेपी सरकार के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन कट्टरपंथियों और चरमपंथियों की वजह से उन्हें टारगेट किया जाता है। वाकई में ये लोकतंत्र के खिलाफ है, बोलने की आजादी का कत्लेआम है। ऐसे कट्टरपंथियों और चरमपंथियों पर भी बुलडोजर चलाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बुलडोजर की इतनी चर्चा हो रही है, क्या ये बुलडोजर कट्टरपंथियों पर, चरमपंथियों पर
खुलेआम चलाया जाएगा या फिर कट्टरपंथियों और चरमपंथियों आपके नाम पर कई पार्टियां बस राजनीति करते नजर आएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी है कि चरमपंथी कितना घातक हो चुके हैं देश की एकता और अखंडता के लिए, देश राष्ट्रवाद के लिए। इसलिए चरमपंथियों और कट्टरपंथियों को साइडलाइन करने के लिए, उसे कुचलने के लिए एक बड़े बुलडोजर की ज़रूरत है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। अवनीश त्यागी जी, स्वागत है आपका। अवनीश त्यागी जी, चलिए इस थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। चंद्रेश कुमार सिंह जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। चंद्रेश कुमार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रजा रिजवी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रजा रिजवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। रजा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। बताइए रजा जी, कितनी गलत बात है ये तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी किसी का समर्थन करना, किसी का जश्न मनाना, ये तो पूरी तरह से है ना, इसकी छूट है, संविधान ने दिया है। बाबर ने अगर बीजेपी की जीत पर खुशी मना ली या फिर जिस तरह से कायराना हमला किया गया कामरान के ऊपर कि पीएम मोदी को उसने राम कह दिया, सीएम योगी को उसने कृष्ण कह दिया, इसके बाद जिस तरह की सोच देखिए मुर्तजा के जरिए सामने आ रही है, या फिर एक डॉक्टर की बात भी हम कर लें रजा जी, उसको इसलिए बहिष्कार कर दिया गया, मौत का फतवा जारी कर दिया गया क्योंकि वो आरएसएस के जुलूस पर पुष्प बरसा रहा था। मुझे थोड़ा सा बताइए, अब तो खुलेआम है ना कि ये चरमपंथी है, खुलेआम है ना कि ये इनको बर्दाश्त नहीं है कि बीजेपी की इस तरह से प्रचंड जीत हो। कई पढ़े लिखे मुसलमानों को कट्टरपंथ और चरमपंथ की सोच से बाहर निकलने नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों पर बुलडोजर किस तरीके से चलाया जाना चाहिए रजा जी, जरा बताइए। ऐसा मैं बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं और आपके इस इंडिया वाइज चैनल से मैं पूरे दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जो इस्लामी पुस्तक है कुरान शरीफ, जिसमें 30 पारे हैं, 114 सूरे हैं, 6666 आयत है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का उस पर एतबार है, एतकार है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो उनको बताया इतना पारा, इतना जो है आयत, इतना सूरे हैं, उसमें कहीं कट्टरता शब्द हो, कहीं कट्टरता शब्द हो तो हमें बताएं वो। और मैं नंबर दे रहा हूँ 94-151-2085, मैं उनको बताऊंगा कुरान शरीफ में कहीं कट्टरता शब्द नहीं है, इस्लाम में कट्टरता की कहीं गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे इस्लाम चला है, किसी भी जंग में तलवार लेकर के वो नहीं गए हैं, चाहे जंगे बद्र हो मुसलमान की पहली जंग, चाहे जंगे खंदक हो, चाहे जंगे ओहद हो, कई जंगे हैं, कई गजवा हैं, कहीं नहीं तलवार लेकर के गए। आप बताइए, अगर आपको गौरी शंकर जी मालूम हो, आप भी विद्वान हैं, बताइए किसी जंग में मोहम्मद साहब, ये कट्टरता कहां से आई, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कह रहे हैं कुरान शरीफ में कट्टरता नहीं, मोहम्मद साहब जो है कट्टरता नहीं, तलवार लेके नहीं आए किसी जंग में, तो आई कहां से, ये सवाल हो सकता है आपका, होना भी चाहिए। ये कहां से आई? ये आई जो बादशाह चले, इन बादशाहों ने हुकूमत करने के वक्त कब्जा करने के लिए इन्होंने तलवार का सहारा लिया और जो सामने आता गया किसी गर्दन काटी, किसी का सर काटा, ये मुल्क मेरा, ये देश मेरा, इस पर कब्जा करते चले गए। और यही जो आम मुसलमान है, इसी कट्टरता को इसने समझ लिया कि ये इस्लाम है। कुरान शरीफ और इस्लाम इजाजत नहीं देता कि किसी बेगुनाह को, जिस तरीके से बाबर को मारा गया है, जिन लोगों ने मारा है, वो आप समझिए सीधे सीधे दोजख जाएंगे, उनको जन्नत मिलने वाली नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी को जो है जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा, स्वतंत्र है इंसान, सही बात है, जिसको जो इच्छा करे वो करेगा, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है। अब इसको धर्म के आधार पर अगर पार्टी भी का भी बंटवारा हो जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना राजा साहब।
सही कह रहे हैं गौरी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा राजा साहब एक बात मुझे बताइए, बाबर कामरान इसके बाद एक डॉक्टर साहब की भी बात आई, काफी काफी शरीफ डॉक्टर हैं, काफी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करना उनका मकसद है। उन्होंने बस इतनी गलती कर दी कि आरएसएस के कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे और उन्होंने फूल बरसा दिया। इसके बाद पूरा का पूरा कुछ चरमपंथी कुछ कट्टरपंथी लोग जो खुद को खुद को इस्लाम धर्म से बंधा हुआ समझते हैं लेकिन इस्लाम की एक चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों ने उनको बहिष्कार कर दिया, मौत का फतवा जारी कर दिया कि जो इस डॉक्टर की हत्या करेगा उसको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। ये किस तरह की मानसिकता पनप रही है राजा रिजवी जी, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। देखिए ऐसा है कि आप हमको अपने स्टूडियो से बैठ के जो भी आंकलन कर रहे हो कि रिजवी साहब के ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो हो सकता है महात्मा गांधी की नेहरू की फोटो लगी हो या हो सकता है सचिन तेंदुलकर अजहरुद्दीन की फोटो लगी हो, सही बात है, या हो सकता है कि वो हीरोइनों की फोटो लगाए हो या हो सकता है नग्न महिलाओं की फोटो लगाए हो। अब जो आप स्टूडियो से बैठ के अपना आंकलन कर रहे हैं वही आंकलन आपके दिमाग में बनेगा, क्योंकि आप मेरे ड्राइंग रूम में अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए आपको ये नहीं पता है मेरे ड्राइंग रूम में किसकी फोटो लगी है। और आप विचारधारा खुद जो बना लीजिए कि नहीं साहब नंगी तस्वीर वहां लगी होगी। तो जब तक आप आरएसएस के करीब नहीं आएंगे, आरएसएस के विचारधारा को नहीं समझेंगे जी, जब आप किसी के करीब नहीं आएंगे तो उसकी विचारधारा दूर से आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही बात है, उसकी विचारधारा ये है और वो ऐसा है वो वैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आरएसएस के अंदर हम मजबूत मजबूत भारत अभियान में 8.5 लाख पूरे भारत का जो है मुसलमान है, एक भी मुसलमान नहीं है, 8.5 लाख मुसलमान है। ये लिखापढ़ी में है, उन मुसलमानों ने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं और उस मुसलमानों ने वो प्रोफार्मा भरा है हम मजबूत मजबूत भारत अभियान में 8.5 लाख लोगों ने। तो हमारा कहना है कि ये आरएसएस को नहीं जानते, अगर वो फूल वर्षा हो रही थी तो उन आरएसएस के आप बता दिए किसी आरएसएस के नौजवान ने जो वो काली टोपी लगा के सफेद बुशर्ट पहन के ब्राउन पैंट पहन के काला जूता पहन के लाठी जो है वो लेकर के गर्वेशधारी हैं दंड लेके चल रहे हैं, तो आप बताइए किस पर जो है आरएसएस वालों ने वो अपना झंडा चला दिया। चलिए बिल्कुल सर बिल्कुल, किस पर झंडा चलाया? बिल्कुल सर, वो तो जब बाढ़ आती है तो लोग मदद करते हैं, जब लोग फंसते हैं। हाँ मैं अब थोड़ी देर के बाद आता हूँ राजा रिजवी जी आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नितेंद्र जी एक बात बताइए, ये सब अचानक बीजेपी की जीत के बाद अचानक उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सब क्या हो रहा है? क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई समझदार व्यक्ति का हक नहीं है कि वो किस पार्टी को अपना पार्टी माने किसको अपना नेता माने? अगर पीएम नरेंद्र मोदी से कोई प्रभावित है तो क्या उसकी तारीफ नहीं करेगा? अगर कोई किसी का फैन होता है, हम आप भी सभी किसी न किसी का फैन होते हैं तो आप तो तारीफ ही करते हैं ना, तो तारीफ के बाद किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाना या फिर बाबर जैसे जो ना तो बीजेपी का समर्थक था ना कुछ था, बस बीजेपी की जीत को वो अपनी जीत समझ रहा था, वो जश्न मना रहा था, इसके बाद देखिए उसको मौत की घाट उतार दिया गया। आप लोग थोड़ा सा बताइए सर, ये क्या क्या है उत्तर प्रदेश में, किस तरह की मानसिकता अचानक से बढ़ती दिख रही है बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद? ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देश में कोई किसी का समर्थक हो सकता है, हाँ? और किसी की जीत पर कोई जश्न मना सकता है, इसकी बिल्कुल आजादी है और होनी भी चाहिए। और जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लगातार हत्याओं का एक दौर आया, लूट डकैतियां बैंक की डकैतियां तीन तीन चार चार बैंकों के अंदर जिस तरीके से लूट हो रही है, तो ये जीत के बाद जब लोग मदमस्त हो जाते हैं तो उनका ध्यान पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और अन्य चीजों से हट जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं तो होंगी, इसमें आप किसी की तारीफ कर रहे हैं कि ये लापरवाही का घोर विषय, वो निंदनीय बात है कि आज प्रदेश में प्रचंड जीत जिसको आप बार बार कह रहे हैं, बार बार आप महिमामंडित कर रहे हैं कि बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद
लोगों में कड़ाहट बुलडोजर चल रहा है। अरे आज चर्चा होनी चाहिए थी कि नींबू 15 रुपए हो गया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, आज गरीब आदमी दवाइयों के रेट कितने बढ़ा दिए गए हैं, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, अप्रैल के महीने में स्कूलों में किस तरीके से लूट मची है, किताबों के रेट कापियों के रेट कितने महंगे कर दिए गए हैं। आज चर्चा यहाँ होनी चाहिए, आज आप चर्चा करा रहे हैं। बाबर, आप जानते हैं बाबर की जांच पूरी हो चुकी है, कितने दिन पहले की घटना है, उसकी रंजिश किससे थी, पूरे मोहल्ले के लोगों से, उसका जिन लोगों से, उसके पट्टीदार लोग थे जिनके यहाँ वो काम करता था खेतों में, उनसे झगड़ा हुआ था, मोहल्ले के लोगों ने उसको मारा पीटा, वो थाने गया था, पुलिस से उसने मदद मांगी थी जी। और पुलिस ने उस, और जो मुझे पता था सर आप ऐसे ही बोलोगे, इसी तरह घुमा घुमा के बोलोगे, मतलब आप थोड़ी देर के बाद ये प्रूफ कर दोगे भाई साहब, थोड़ी देर के बाद आप ये प्रूफ कर दोगे डॉक्टर नितेंद्र यादव जी कि बाबर ही दोषी था, कामरान ही दोषी था। कामरान कोई कहने का हक नहीं है कि पीएम मोदी राम की तरह हैं और सीएम योगी कृष्ण की तरह हैं, है ना। उस डॉक्टर साहब को ही आप दोषी ठहरा दिया है कि क्या जरूरत था आरएसएस के जुलूस पर पुष्प वर्षित करने का। आप बीजेपी प्रवक्ता, मैं क्यों प्रवक्ता रहूंगा, प्रवक्ता हम बुलाए हुए हैं बीजेपी के, अवनीश त्यागी जी आए हुए हैं, मैं सब काम नहीं करता, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल मैं एकदम से खालिस पत्रकार हूँ मैं, है ना। ये सब मेरा तो सुन लो जवाब। हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप तो दिशाएं घुमा रहे हैं ना नितेंद्र जी, बोलिए। पहले तो ये आप अपना छोड़िए कि कोई बोल रहा हो तो उसका फ्लो मत बिगाड़ा करो, ये आप लोगों की बहुत खराब आदत है। मैं वही कह रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के उन विधायक जी के घर मदद मांगने गया था, ये लोग मुझे धमका रहे हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं, पुलिस के पास मदद मांगने गया था, सुरक्षा दे दीजिए, क्या पुलिस ने उसको सुरक्षा दी, क्यों नहीं दी, विधायक जी ने उसकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, और जब उसके साथ मारपीट हुई, वो छत में भागा, छत से पब्लिक ने दौड़ाया, वो छत से कूदा और गिर गया, मर गया, मर जाने के बाद आप कदमा दे रहे हैं और आज पूरे देश में किसको किसको दोषी, ये लाखों लापरवाही का कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और काम बजाने का, और कामरान को क्यों मारा लोगों ने, ये तो आप ही बताओगे ना कि किसको किसको क्यों मारा जा रहा है, ये तो किसकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की घोर लापरवाही। चलिए मैं समझ रहा हूँ सर, समाजवादी पार्टी को ये सब चीजें कानून व्यवस्था से जोड़कर देखने की जरूरत महसूस हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी लगता है कानून व्यवस्था का मसला है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक मानसिकता जो कट्टरपंथी मानसिकता है, चरमपंथी मानसिकता है, वो भी निकल करके सामने आ रही है, और उसे कंट्रोल करना क्या किसी बुलडोजर, है ना, बुलडोजर चला करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्या, बड़ा सवाल। अवनीश त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अवनीश जी बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, आवाज आ रही है सर मेरी आप तक, मुझे आवाज आ रही है मेरी। अवनीश जी एक बात बताइए, आप बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, ढेर सारे वादे को पूरा करने में बीजेपी सरकार लगी हुई है, योगी सरकार को अब लोग योगी 2.0 सरकार कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दावे किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी की जीत के बाद उन्हें टारगेट किया जा रहा है, कानून व्यवस्था का मसला भी है, साथ ही साथ चरमपंथी और कट्टरपंथियों की पोल भी खुल रही है, क्या आप लोग तैयार हैं कि अब बुलडोजर ऐसे लोगों पर भी चलाया जाए जो इस तरह की मानसिकता को बढ़ा रहे हैं, योगी 2.0 में हो संभव है सर ये सब? देखिए मैं बताऊं कि सरकार से पहले जनता ने इनके जनमत इनको बाहर करके इन्हीं पे बुलडोजर चला दिया है, ऐसी मानसिकता वालों को, और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। जिन लोगों ने एक वर्ग विशेष को, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग को भाजपा का डर दिखा के अब तक राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति करते रहे, उन लोगों को 5 साल की योगी सरकार में ये बता दिया गया कि एक भी योजना का लाभ पक्षपात से, भेदभाव से, जाति धर्म के आधार से देख के नहीं दिया गया, सबको जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया गया, चाहे राशन की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे टीका लगा हो, जो भी लगा हो। तो इन जो निरपेक्ष भाव से और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की नीति पे जिस तरह से योगी और मोदी सरकार ने काम किया, उससे क्या हुआ है कि उससे एक पार्टी विशेष को, खास तौर से मैं कहूंगा, उस पार्टी विशेष की जड़ें हिल गई। जिस तरह से मुस्लिम्स ने इस बार भाजपा का साथ दिया है और वो आपको दिख रहा है, वोट भी दी है और बाद में वो सपोर्ट जिस तरह से जगह जगह हो रहा है, तो इन इन ये जो वो जो डर दिखा के मुस्लिम्स को
वोट बटोरते आ रहे थे, उनकी जड़ें हिल गई। अब वो घबराहट में वो उकसा रहे हैं उन लोगों को जो माहौल बिगाड़ने पे लगे, समाज में विद्वेष बढ़ाने पे लगे। इसके नतीजे बड़े खतरनाक हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब ये था कि जब जनता ने भाजपा सरकार को, योगी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लुटा दिया, तो विपक्ष को अपना ये मान लेना चाहिए था कि वो जनादेश को स्वीकारते और सकारात्मक राजनीति करते हुए सरकार को आगे बढ़ाने में मदद करते, जिससे न केवल प्रदेश का विकास होता और जनता को, खासतौर से गरीब जनता को, सभी वर्गों को उसका लाभ मिलता। पर अब हो रहा है उल्टा, वो जगह जगह उकसाया जा रहा है। एक पार्टी विशेष के नेता ने जो इस तरह से बयान दिया चुनाव के वक्त, ईवीएम की रक्षा करो, वोटों की रक्षा करो, चुनाव हारे तो अब क्रांति से हरा देंगे, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के जो भड़काऊ बातें करी गई बार 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 बार, तो उससे ये हुआ कि उससे जो थोड़े से इमोशनली या जज्बाती मतलब, लोग हैं, मतलब एक बात तय है, एक बात तय है अवनीश जी। देखिए जो बातें आप कह रहे हैं, जो दावे भी कर रहे हैं, सिर्फ दावे नहीं, चीजें दिख भी रही हैं कि इस बार बीजेपी को मुसलमान समुदाय की तरफ से ठीक ठाक वोट मिला, ठीक ठाक मतलब बेहतर वोट मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई पढ़े लिखे जो चरमपंथी कट्टरपंथियों के चक्कर में आना नहीं चाहते, उनको अपना करियर बनाना है, सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिसे बहकाने की कोशिश हो रही है वो साइड लाइन पकड़ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं बीजेपी जो काम कर रही है वो सही है, उसके प्रभाव में वो आए। लेकिन सर एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि अगर ऐसा है तो फिर जिन्हें टारगेट किया जा रहा है तो कानून व्यवस्था के हिसाब से तो मामला गड़बड़ हो रहा है ना आपके लिए सब। नहीं नहीं, ये तो सवाल उठेगा ना कि फिर आप लोग क्या कर रहे हो। अगर नितेंद्र जी कह रहे हैं कि सब कुछ तो पहले से बता रहा था बाबर, तो बाबर को सेफ्टी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जब मर्डर उसका हो गया तब राजनीति होने लगी। अवनीश जी देखिए, राजनीति नहीं हो रही, जो इस तरह के तत्व थे, इस तरह की उम्मीदें नहीं थी कि लोग इस तरह से निर्लज्जता पे लोग उतर आएंगे। पर जब जिस तरह से ये हुई है, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह सुरक्षा दी जा रही है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, और एक भी ऐसा जो समाज का माहौल खराब करने वाला होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, चंद्रेश कुमार जी के पास हम आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। चंद्रेश जी एक बात बताएं, ये जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये देखिए ना तो धर्म के नाम पर हो रहा है, ना ही किसी राजनैतिक, विशेष राजनैतिक पार्टी के आधार पर किया जा रहा है। ये जो हो रहा है, कुंठित मानसिकता के शिकार लोग दरअसल अपनी पोल खुल रहे हैं, उनकी संख्या हजारों लाखों में हो सकती है, इनको टैकल करने के लिए एक बड़ी राजनीतिक इच्छा की जरूरत है, वो सबको दिखाना होगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं लगता कि पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उदारवादी मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? आप लोग की खाई, जो बड़ा खाई बनाया गया था आप लोगों की तरफ से, वही मतलब और बड़ी होती जा रही है। कांग्रेस की पकड़ इस बकायदा मुसलमान समुदाय की वोट बैंक पर खत्म होता जा रहा है। अब कोई भी काम, मतलब जो भी चीज करना चाह रहे हैं वो काम नहीं आ पा रहा है जमीन पर आप लोगों का, बताइए जरा चंद्रेश जी। पहली बात तो गौरी शंकर जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति में हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं होती। हम सांप्रदायिक राजनीति के सख्त विरोधी हैं। जहाँ तक आपने गोरखपुर मंदिर की घटना का जिक्र किया, सुन लीजिए पूरी बात, थोड़ा आवाज इको हो रहा है, सही कराइए इसको। आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। तो गोरखपुर मंदिर में जो घटना घटा या कुशीनगर में जो घटना घटा, इस घटना की हम सख्त निंदा करते हैं और सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगी, जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कानून, हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को इस तरह की हिंसा और अराजकता करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन इस घटना के साथ मैं कुछ और घटनाओं को भी यहाँ उल्लेखित करना चाहता हूँ, जिस पर देश और समाज के लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। उसी गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में एक बार ऑक्सीजन की कमी आई, जिसके चलते वहाँ एक डॉक्टर को इसलिए जेल में भेज दिया गया ताकि वो मुसलमान था, और उसी न्यायालय ने 2 साल बाद उसको बाइज्जत बरी किया और 2 साल यातनाएं उसने इसलिए सही क्योंकि वो मुसलमान था। कोरोना काल में हमने देखा कई मुस्लिम लड़कों को प्रशासन ने हिरासत में लेकर उस
उसकी हत्या कर दी। अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं सांप्रदायिक राजनीति नहीं करता, लेकिन अपने बयान में आपने 10 आपने आपने अगर 10 लाइन बोली है ना चंद्रेश जी, 10 लाइन में कम से कम 50 बार मुसलमान शब्द का प्रयोग कर दिया आपने। हम देश के अंदर सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार ये एक्सपेक्ट करता हूँ मीडिया से और सभी राजनीतिक दलों से कि इस तरह के विषयों को हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश न करें, इसे सिर्फ अपराध और अपराधी के नजरिए से देखें। और कोई भी व्यक्ति यदि अपराध कर रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, तो उसके ऊपर गंभीर कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। उसे हिंदू मुस्लिम क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया के नजरिए से न देखा जाए, ये हमारी मांग है। मैंने दोनों घटनाओं का उल्लेख इसलिए किया ताकि स्थिति लोगों के सामने स्पष्ट रूप से और स्वच्छ तरीके से जा सके। दूसरी बात, अभी रिजवी साहब ने आरएसएस का उल्लेख किया। रिजवी साहब, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और लंबे समय तक उस विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैं रहा। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा वहां से प्राप्त की। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत योगदान है। मैंने वहां पर आरएसएस की गतिविधियों को बड़ी बारीकी से और बारीक नजर से देखा है। आरएसएस एक पूर्वाग्रह से ग्रसित संगठन है जो इस देश पर कब्जा करना चाहता है, जो इस देश की राजनीति में और लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं रखता। अब ये आपका व्यक्तिगत आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है चंद्रेश जी। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हजार तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी को हड़प लिया है। कोई अगर प्रधानमंत्री भी बनना चाहता है तो नहीं बन सकता है, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहले बनेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है ना कांग्रेस पार्टी के बारे में। आरएसएस किसी को अच्छा लगता है भाई साहब, किसी को खराब लगता है। आपको खराब लगता है, अच्छा आपको खराब लगता है, आपका नजरिया है, लेकिन किसी को आरएसएस अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी को, लेकिन आप तो चंद्रेश जी उसी तरह की मानसिकता शो कर रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि आरएसएस हमारे हिसाब से बहुत ही गलत है और बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लेकिन क्या आपके आपके ऊपर आरएसएस वाले हमले करेंगे क्या? इस बात पर नहीं करेंगे ना। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि पीएम मोदी की क्यों तारीफ कर रहे हो, सीएम योगी की क्यों तारीफ कर रहे हो, आरएसएस के लोगों पर फूल क्यों बरसा रहे हो, हमले कर दो, हत्या कर दो। ये बड़ा अजीब तरह का कॉन्सेप्ट है ना। हम लोग किसी पे बात कर रहे हैं, जिसमें आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम बस्ती में रमजान के मौके पर पहुंच पर मस्जिद पर कब्जा करके और कई दुकानों को फूंक दिया। नकारे हुए लोग हैं भाई, किस नजर से देखेंगे? आतंकी संगठन तालिबान से भाजपा के लोग छुप छुप मिलते हैं, पता नहीं क्या मिला। चलिए मैं आता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे, तुरंत हाजिर होते हैं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। कट्टरपंथियों पर नकेल कब कसी जाएगी? कट्टरपंथी कभी भी किसी भी धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। समाज और धर्म की रुकावट में सबसे बड़े, उसके विकास में सबसे बड़े रोड़े की तरह ये चरमपंथी होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं। और इन्हीं की वजह से कोई धर्म बदनाम भी होता है, समाज बदनाम होता है और देश के लिए बड़े सिरदर्दी साबित होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर नकेल कसे जाने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था का ही मसला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की भी ज़रूरत है। क्या वो दिखता है कि सामाजिक क्रांति करके या बड़े फैसले लेकर के इन चरमपंथियों और कट्टरपंथियों पर बहुत बड़ी नकेल कसी जा सकती है? फिलहाल बहुत ही बड़ा बड़े राजनीतिक इच्छा की ज़रूरत है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। राजा रिजवी जी के पास एक बार फिर से मैं आना चाहूँगा। रिजवी साहब, एक बात बताएँ, क्या इतना आसान है? हम लोग डिबेट कर लेते हैं एक घंटे में, है ना, तरह तरह की बातें करके सब अपने अपने घर चले जाएंगे, चीज़ें वहीं रह जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के डिबेट कर देने से देश की समस्या एकदम से आमूलचूल आधे और दो घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगी? हम लोग बस विचार ही तो रखते हैं। विचार के तौर पर कट्टरपंथियों के खिलाफ, चरमपंथियों के खिलाफ किस तरह के एक्शन की ज़रूरत है, किस तरह के कानून की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर जिसे जो मन में होता मुंह उठाए आता है, बक देता है, कह देता है, कुछ भी कर देता है, उससे हम सभी लोग शर्मसार होते हैं। यहाँ पर धर्म विशेष की बात है, हम सभी लोग शर्मसार होते हैं। देखिए, ये सही है
कि जो कट्टरपंथी और चरमपंथी ये देश का नुकसान करते हैं और इसमें जितने हमारे साथी बैठे हैं वो सब इस बात का बिल्कुल यकीन करेंगे कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब नाराजगी जो आ जाती है, नाराजगी आने के बाद फिर उसके बाद पिटाई करना, मसलन मैं कह दूं कि गौरी शंकर साहब बहुत अच्छे एंकर हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात रखते हैं और सलीके से रखते हैं, और ये मैं बात रखूं ये कोई दूसरा चैनल वाला देख रहा हो तो उसका एंकर नाराज हो जाए और नाराज हो करके कल मैं चौराहे पे निकलूं तो हमारी पिटाई कर दे। ये कौन सी बड़ी बात है कि ये कौन सी बात है साहब कि एक एक चैनल के अगर गौरी शंकर की मैंने तारीफ कर दी कि साहब बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत सलीके से रखते हैं, तो दूसरा वाला नाराज हो जाए? तो ये सरासर आप समझिए एक तरीके से जाहिलियत है। और मैं अपने मुस्लिम कौम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है, इलिटरेट है, जबकि मोहम्मद साहब ने साफ साफ कहा अला इल्मन अलल आलमी, हमने इल्म के वजह से नबियों को चुना, नहीं तो मैं नबी को चुनता ही नहीं। और मुसलमान पढ़ाई से दूर है, पढ़ना चाहता ही नहीं। हमारे कांग्रेस के साथी अभी आपने कह रहे थे कि आप खुद ही कह रहे थे कि साहब ये मुसलमान की हम बात नहीं करते, लेकिन आपने खुद ही कहा कि कम से कम 10 लाइन में 50 बार मुसलमानों की बात की है। मैं नहीं समझता था कि गोल्डन ईयर तक कांग्रेस सरकार में रही और उसने अल्पसंख्यक बना दिया मुसलमानों को, यानी मेन स्ट्रीम से कांग्रेस ने हटा ही दिया अल्पसंख्यक। अच्छा, अल्पसंख्यक बनाया तो उसके बाद क्या कुछ विकास करते आप, कुछ तरक्की के रास्ते पे ले जाते? कुछ नहीं किया आपने, सेक्टर कमेटी बना दी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट में क्या आया कि दलित भाइयों से हम नीचे हैं। यानी वो रिपोर्ट कांग्रेस मुसलमानों को बेइज्जत करना चाहती थी कि तुम समाज में बेइज्जत हो जाओ। सही रजा रिजवी पकड़े आप, बोलिए सर, बोलिए। बेइज्जत हो जाओ इसलिए कांग्रेस करना चाहती थी, बोलो। और कांग्रेस ने यही किया, और जो मुसलमानों को वोट मांगते नहीं है, मांगा नहीं, कांग्रेस तो मुसलमान और ब्राह्मणों को दलितों को छाती पेट लगाती थी कि यही हमारे वोटर हैं, और जिन्होंने मुसलमानों के वोट की कोई लालसा नहीं की और न कहा और न कोई कैंडिडेट खड़ा किया उत्तर प्रदेश में भी 403 विधानसभा में, इसलिए कि वहां भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान खड़ा करेगी तो वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए नहीं खड़ा किया। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कोई जो है वो दुर्भाव नहीं किया कि मुसलमान है ये ईसाई है कुछ। जो योजनाएं चली, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सफाई योजना हो, उन योजनाओं में हमें कहीं ये नहीं मिला, किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि साहब हमारे साथ जो है, हम गांव के रहने वाले थे, हम मुसलमान थे, हमें राशन जो है दो बार राशन दिया जा रहा था, हमें एक बार भी राशन नहीं दिया। रविशंकर साहब आप भी पत्रकार जगत में रहते हैं, हम भी पत्रकारिता जगत में रहते हैं, कहीं ऐसी मर्मरिंग नहीं आई। तो जो वोट नहीं मांग रहा है वो मुसलमानों की मदद कर रहा है। भाई 2019 में 5% मुसलमानों का वोट, आपने खुद ही चैनल में बताया कि 2019 में 5% मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी, अलग 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 आंकड़े हैं, जहां तक मुझे पता है 9% मुसलमानों का वोट, पुरुष मुसलमानों का वोट बीजेपी को गया, और 2022 और पुरुष मुसलमानों से ज्यादा महिलाओं का, हाँ आप 2019 वाला आंकड़ा सही बता रहे हैं, इस बार बढ़ गया वो 2022 में, और मुस्लिम महिलाओं का वोट 11-12% बीजेपी को चला गया 2022 में, तो 9% पहुंच गया। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में मुसलमानों का वोट प्रतिशत 14% बढ़ेगा, जो मेरा अपना विचार है, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी का हूँ, मैं मुसलमानों के बीच में बैठता हूँ, यही खलीस है और विपक्ष के पार्टियों को। मुसलमान कहता है कि साहब ये हमें जो है भाई ठीक है, हमें नहीं करते, लेकिन जब इनकी योजनाएं चलती है तो उन योजनाओं में हमारे साथ कोई जो है भेदभाव नहीं होता। चलिए बिल्कुल सर, चलिए बहुत अच्छी बात सर, आपके जरिए बहुत अच्छी बात आई रजा जी, और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख ईसाई, किसी भी धर्म का हो, मुझे ये देखना है कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, हर फ्रंट पे कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है और कौन सी सरकार ध्रुवीकरण के आधार पर अलग अलग धर्म को बांटने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी के पास आएंगे। नितेंद्र जी एक बात बताइए, चुनाव प्रचार जब आप लोग कर रहे थे, आप 2022 की बात में कर रहा हूँ, उस वक्त ऐसा लग रहा था
कि आप लोग पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय की वोट बैंक को अपना समझ रहे थे, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बहुत बंटवारा हो गया उसमें, इसलिए भी आप लोग को बहुत ठीक ठाक सीटें नहीं आ पाई। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, इतने सालों तक मुसलमानों की तरफ से वोट आपको मिलता रहा, आप लोग कहते भी रहे कि सबसे बड़े पहरेदार के तौर पर हम ही लोग हैं मुसलमानों के लिए, तब भी मुसलमानों की स्थिति आज तक ठीक क्यों नहीं हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, बताइए। सिर्फ विधायक बना देने से नहीं होता है सर, जमीनी लेवल पर एक है ना, जो सबसे निचले पायदान पर एक मुसलमान खड़ा, उसकी स्थिति कितनी बेहतर हो पाई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, बताइए सर। अभी आप थोड़ी देर पहले बहुत तेजी से जोर दे रहे थे चरमपंथी, कट्टरपंथी, और कुछ रंगे लोगों को आप बिठाते हैं जिनको एक पहलू में पहले भगवा सदरी पहन के आना पड़ता है, फिर उनको तुरंत कोई बताता कि नहीं आप इस रंग में रहोगे तो आप भी उन्हीं के रंग में मिला के लिए तुरंत सदरी बदल के आ जाना। मतलब क्या क्या आप चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि रजा रिजवी जी चरमपंथी और कट्टरपंथी जैसा बात करें? गौरीशंकर जी क्या क्या सोच है सर आपकी? डॉक्टर नितेंद्र यादव जी नहीं बोलने दे रहा हूँ, लेकिन कुछ इधर उधर बात थोड़ी करोगे, तो आप क्या चाहते हैं रजा रिजवी जी कट्टरपंथियों की तरह बात करें तब आपको अच्छा लगेगा, तब आप तब आपका वोट बैंक जो है लगेगा कि नहीं अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है वोट बैंक? अभी कपड़ा पहन के बैठा हूँ तो एक मिनट में कपड़ा उतारने लगूंगा क्या? अरे तो कपड़ा पहनना ना पहनना उनकी पसंद की बात है। रजा रिजवी जी कौन कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं? रजा रिजवी जी से तो मैं कई सालों से बात करता हूँ, उनकी सोच तो इतनी हमेशा से इसी तरह की सोच उनकी है और बहुत अच्छी बात करते हैं। भाई साहब डॉक्टर नितेंद्र यादव मैं समझ रहा हूँ आपकी घबराहट, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं घबराहट है सर, घबराहट है, बोलिए। पूछ करके इस देश में मुसलमान बदल रहा है ना, मुसलमान बेहतर हो रहा है तो घबरा रहे हैं आप लोग, बोलिए कोई बात नहीं। या तो मुझे मत बुलाया करो और मेरी बात पे टोका मत करो, मुझे बोलने दिया करो। अगर आप मुझे अभी आपने रिश्वी की बात पे नहीं टोका, आपने उनको बलिक जी को नहीं टोका, गौरीशंकर जी कुट कुट बोलते हो चले जाएंगे। आप पूरी बात रखिए, पूरी बात रखिए। आप बुलाते हो मुझे, मैं छोड़ देता हूँ आपको, मुझे बुलाओ तो मुझे पूरा सेंटेंस में पूरा करने दे। चलिए बोलिए 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 यादव साहब, ये एकदम से नाराज मत होइए, बोलिए बोलिए बोलिए। आपको लगता है कि टिकट चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, आप सीधे पत्रकारिता छोड़िए और उनके चर्चाकर्ता करिए। जैसे मैं सेंटेंस पूरा करना शुरू करता हूँ आप तुरंत बीच में टोक देते हो। आप जब से आए हो तब से मेरे को ही गाली दे रहे हो डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप जब से आप आए हो डिबेट में तब से बस मुझे ही गाली दे रहे हो आप कि आप बीजेपी की चाटुकारिता करो, आप कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो? आपने रिजवी को एक भी बार नहीं टोका, पूरी बात कहने नहीं टोक रहा हूँ भाई साहब, बोलिए तो। आपने कुछ बोला तो मैं उस पर रिप्लाई किया, लेकिन बोलिए पूरी बात रखिए, समय खराब हो रहा है, बोलिए। राम ये राम के मानने वाले लोग हैं, हाँ। राम ने क्या कहा? निर्मल जनमन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। आज इनके मन में क्या है? आज ये बात कहलाइए इन लोगों से कि ये हिंदू हिंदू की बात करना बंद करें ना। अब कहें ना कि हमारा भाईचारा है, हमारे मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, अब हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे, इस देश में पूरा भाईचारा कायम करेंगे, ये बात कहलवाइए। आप सिर्फ आज मुद्दा उठा रहे हैं कट्टरपंथी चरमपंथी की। समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी मत पंथ संप्रदाय मजहब की राजनीति नहीं की। समाजवाद में संभव बराबरी और सबको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही आज जितने परशुराम की जयंती घोषित करने का काम किया गया, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही महाराजा अग्रसेन की जयंती घोषित करने का काम किया गया, समाजवादी की सरकार में ही समाज के दंगे हुए मुसलमानों को कारोबार नहीं करने दिया। ये आप समझने की कोशिश पता है डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, पता नहीं आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक मैं वहीं रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। आप लखनऊ रहते हैं दिल्ली रहते हैं आप? मैं वहीं रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। चलिए ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ इसलिए मैं पूछा, अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ से दो तीन वीडियो मैं देख रहा था, उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के युवक पता है क्या कह रहे थे वो, कि कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा हो गया कि 5 साल में जिस इलाके में खड़ा हूँ ना भाई साहब, मैं गया था कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहा था, 5 साल में जिस इलाके में आप खड़ा है ना भाई साहब, रात 12 बज रहे थे, 12 बजे आप खड़ा नहीं हो सकते थे, लेकिन योगी सरकार की ये देन है कि 5 साल में यहाँ पर दंगे नहीं हुए, और ऊपर से कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप हर मुसलमानों से अकेले में बात कर लीजिए, 60-70% मुसलमान कहेंगे नहीं बहुत अच्छा हुआ है, ये समाजवादी पार्टी वाले मुझे हम लोगों को धोखा दे रहे थे, ये पता है मैं नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने उन लोगों ने इतने आरोप लगाए आप लोगों के ऊपर कि इनको बस वोट चाहिए।
इनको बस वोट चाहिए, दंगा हो रहा है होने दो, उसी में तो मजा आता है, ध्रुवीकरण हो रहा है, वोट बैंक हड़पने का काम बस समाजवादी पार्टी ने किया। आप कह रहे हो तो यही बात है ना, ग्राउंड रियलिटी को आप डाइजेस्ट नहीं करोगे। और अगर कुछ अच्छी बात कहूंगा तो कहोगे कि बीजेपी क्या प्रवक्ता हो, मैं आता हूं, मैं अवनीश जी के पास आता हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता क्यों रहूंगा भाई साहब, अवनीश जी को हम क्यों बुलाएंगे, अवनीश जी तो है, अवनीश त्यागी जी है प्रवक्ता, उनको बोलने दीजिए। अवनीश जी एक बात बताइए, क्या कट्टरपंथी चरमपंथी का मतलब ये होता है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई नीति बन रही है, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। जो गलत काम कर रहा है वो चरमपंथी हो कट्टरपंथी हो, अगर बुलडोजर चलाया जाएगा तो हमें लग रहा है कि एक समझदार मुसलमान, एक पढ़ा लिखा मुसलमान, या मुसलमान हटाइए, मुसलमान तो मुझे बोलना भी सही नहीं लगता, मुझे लगता है भारत का एक जो नागरिक है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, उसे तो अच्छा लगेगा ना कि चरमपंथियों को हटाओ, खत्म करो इन लोगों को। तो ये बताइए सर, बताइए अवनीश जी, जरा मेरी बात आप सुनिए। देखिए समाजवादी पार्टी के सम्मानित मेरे साथी मेरे मित्र ने केवल रिजवी साहब ने कपड़े बदले, उन्हीं से ऐतराज कर दिया, क्योंकि वो कपड़े बदल रहे हैं, इनको कपड़े बदलना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे मुसलमान अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकता क्या? रिजवी साहब अगर कपड़े बदल रहे हैं तो इन्हें दिक्कत हो रही है। ये ध्यान करें समाजवादी पार्टी के शासन में किस तरह से दंगे हुए, योगी सरकार कार्यकाल में कोई दंगा नहीं, रोजगार मिला, सबको सम्मान मिला, सबको सुरक्षा मिली, योजनाओं का लाभ मिला, और कोरोना जैसे काल में, कोरोना जैसे विपत्ति काल में सबको घर पे रोटी, सबको इंतजाम, सबको सुरक्षा, ये हुआ तभी भाजपा सरकार को पूरे प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में लाई। इन जो अवसरवादी जो विघटनकारी लोग थे, जो उकसावा देके वोट बैंक की राजनीति करते थे, उन्हें नकार दिया। और मेरे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे कि वो बात ना करके अपनी इधर उधर की बातें करने लगे, संघ की बातें करने लगे, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की तरफ कदम बढ़ा लिया है। अब कांग्रेस यहाँ वजूद नहीं रह गया है तो उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। प्रदेश की जनता ने राजनीति की नहीं, जिस तरह के लोगों का, इस तरह की विघटनकारी राजनीति करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया है। इसीलिए मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है आपकी तरफ से। मेरे सवाल का जवाब ये है, ये मैं जानना चाह रहा था कि जीरो टॉलरेंस है ना भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ, आप लोग कोई नया कानून क्यों नहीं ला रहे कि जो कट्टरपंथी को बढ़ावा देगा? कानून तो है बना हुआ, लेकिन उसको सही ढंग से अमल करने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिखता है। क्या अमल हो रहा है? उस पे आपको अमल दिखेगा, सरकार उस तरफ बढ़ रही है, सरकार मजबूती से काम कर रही है, लोगों को सुरक्षा देगी, और समाज तोड़ने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए। नहीं, ऐसे लोगों को तो सुरक्षा देना बहुत ही जरूरी है जो समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबर जैसे देगी। लोग आगे बढ़ना चाहते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बीजेपी की जीत हुई, वही बेचारा खुशी मना रहा था, कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी, है ना, कामरान की जबरदस्त पिटाई कर दी, क्योंकि मोदी, पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर रहा था। ये हारे हुए लोगों की बौखलाहट है, एक दो दिन में ठंडी हो जाएगी। आप सुन लीजिए, बाबर की हत्या करने वाले लोग, ये बौखलाहट ठंडी हो जाएगी। सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा जिला प्रदेश की बहुसंख्यक जनता के साथ साथ अल्पसंख्यक जनता भी योगी सरकार के, मोदी सरकार के कार्यों से पूरी तरह प्रभावित है। चले ठीक है सर, अवनीश जी मैं जबरदस्त समर्थन दिया है। अवनीश जी मैं आऊंगा आपके पास, शायद ना आ पाऊं क्योंकि समय खत्म हो रहा है, डॉक्टर नितेंद्र जी के पास भी आना चाहेंगे, लेकिन पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चंद्रेश जी एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि मैं आरएसएस को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हमारा पठन पाठन हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सर मैं भी खूब जाया करता था, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मेरा आना जाना खूब होता था वहाँ पर, मैं भी देखता था आरएसएस को। ऐसा नहीं है कि आरएसएस का बहुत प्रभाव था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ये जानकारी आपने गलत दे दी मुझे, ऐसा तो नहीं है? उन लोगों का जो भी है आरएसएस का, अलग अलग जगहों पर है उन लोगों का, लेकिन
विश्वविद्यालय के अंदर सीधे हस्तक्षेप तो नहीं होता है आरएसएस वालों का? होता है क्या? ऐसा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहता है, लेकिन आरएसएस का तो नहीं सुना मैंने, मैंने देखा भी नहीं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी नहीं देखता था ये चीजें। ये गलत आरोप क्यों लगा देते हो? बोलिए 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 भाई साहब। मैं भी कोई छोटा मोटा विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ा, मैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और मैं आरएसएस को नजदीक से जानता हूँ। मैं कहाँ से नजदीक से जानते हैं? क्या हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर आरएसएस का परेड होता था क्या, ये बताइए मुझे जरा, देखा आपने कभी? मालूम नहीं, आज भी पथ संचलन होता है। नहीं पर, पर, तो उस परेड में, हाँ सुनिए, उस परेड में क्या, उस परेड में क्या, उस परेड में क्या, उस परेड में क्या देश के खिलाफ बातें की जाती हैं, धर्म के खिलाफ बातें की जाती हैं? उस परेड में पूरा देश के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध और लोकतंत्र के विरुद्ध बातें होती हैं। आरएसएस यदि राष्ट्रवादी संगठन होता तो नागपुर में तिरंगा 40% जनता ने साथ दिया है, भी लग गए नागपुर में तिरंगा फहराने में, वोट भी आरएसएस के प्रचारक। अगर ऐसा होता ना चंद्रेश जी, सुनिए, अगर ऐसा होता ना चंद्रेश जी तो आरएसएस में आज, आरएसएस में आज मुसलमान नहीं आते। अगर अगर आरएसएस की तरफ से, आरएसएस की तरफ से देश के खिलाफ बातें होती, धर्म के खिलाफ बातें होती, तो उसमें भारी संख्या मुसलमान नहीं आते। मुझे तो लग रहा है राजा साहब थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे। राजा साहब, कितने लाख लोग हैं इस वक्त आरएसएस में मुसलमान समुदाय के? 8.5 लाख बताइए, 8.5 लाख लोगों को कोई बेवकूफ बना सकता है क्या चंद्रेश जी? क्या आप गुमराह कर रहे हैं? 8.5 लाख लगता है मुझे आंकड़ा, ये पुराना है थोड़ा राजा साहब आपका, कम से कम ज्यादा 18 से 20 लाख हो चुका है। 18-20 लाख मुसलमानों, मुसलमान आरएसएस में हैं, क्या उनको उनको आप बेवकूफ बना दो, मूर्ख बना दो? उन्हीं के सामने उन्हीं के धर्म को आप थोड़ी गाली दे दो? अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ कैसे राजे सुनने नहीं देंगे। आप अपनी बात रख लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। समय खत्म हो गया, समय में FBI आया, स्वदेशी चलिए सर, मुझे 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 क्या लेना देना है, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे ना तो कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना है, ना ही मुझे कोई बीजेपी से लेना देना है, मुझे राजा साहब से लेना देना। राजा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, राजा साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे भाई साहब की तरह हैं, उनकी 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 बातें अच्छी लगती है, मैं इनको बुलाता हूँ और बहुत बेहतरीन बातें करते हैं। बाकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी क्या राजनीति कर रही है वो समझे, लेकिन एक बात मैं हर पार्टी को बोलूँगा कि आम जनता की सरोकार से सीधे संबंध रखिए, धर्म के आधार पर बंटवारा मत कीजिए, धर्म विशेष को, किसी धर्म विशेष को ज़्यादा तरजीह देना, किसी को कम देना, है ना, ध्रुवीकरण करना और खास करके चुनाव के समय एकदम से एक्टिव हो जाना, जाति धर्म के आधार पर बंद कीजिए, ये सब नहीं चलेगा। कब तक कर पाओगे? लोग जब पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ जाएंगे ना, ये सारी चीज़ों को खारिज कर देंगे। अभी आने वाले समय में यही होगा भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, ये जाति धर्म तमाम तरह की चीजों पर जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, आप 10 साल इंतजार कर लो, आप सभी को सभी को कह रहा हूँ 10 साल इंतजार कर लो, ना जाति चलेगी ना धर्म चलेगा, सिर्फ चलेगा काम, जो काम करेगा वो किसी पार्टी का नेता हो उसी के साथ जनता रहेगी और वही सरोकार है। ये सब बंद कीजिए, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होने वाला है, जो जो मुसलमान पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जो हिंदू नहीं पढ़े लिखेगा बैक होगा तो हो जाएगा बैक, इसमें क्या ऐसी बात है? इसलिए समाज में सामाजिक सौहार्द की बहुत जरूरत है। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।